Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. के लिए जिंदा दिलों के शहर लाहौर में मौजूद पाकिस्तान की भाभी सानिया मिर्जा शोहर और ग्रीन शर्ट्स को सपोर्ट करने के लिए लाहौर में ही मौजूद। श्रीलंकन टीम का पाकिस्तान आने पर शुक्रिया अदा करते हैं कप्तान सरफराज अहमद की गुफ्तगू, कहा लाहौर पहुंचने पर दोनों टीमों के खिलाड़ी खुश हैं। सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करेंगे श्रीलंकन की टीम का कि वो पाकिस्तान आए और यहाँ पे आके हमारे साथ मैच खेलेंगे, और उम्मीद है कि पाकिस्तानी क्राउड और पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं और लाहौर के लोग हैं वो दोनों टीमों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे और एक बहुत अच्छी क्रिकेट जो है पाकिस्तान में देखने को मिलेगी इंशाल्लाह दोबारा। शानदार इस्तकबाल पर खुशी हुई, उम्मीद है शायकीन को अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। श्रीलंकन कप्तान भी पुरजोश। Hi Pakistan people, we just now arrived. I think it's really nice to be here again. It was a very good welcome here guys. Looking forward to do our best with my team. See you soon. बचपन में जब वो खेलता था तो मैं क्योंकि मैं भी क्रिकेट नहीं देखता था तो मैं मेरी कोशिश यही थी कि वो पढ़ लिख जाए और बड़ा आदमी बन जाए पढ़ लिख के, तो आज इस सतह पे वो पहुंच गया है कि मुझे भी शौक पैदा हो गया है, मैं भी क्रिकेट देख रहा हूँ। कज़ाफी स्टेडियम पर सिक्योरिटी फोर्सेस का कड़ा पहरा, 11,000 से ज्यादा अहलकार स्टेडियम और गिर्दोनवा में तैनात, फिजाई निगरानी भी होगी। स्टेडियम के दरवाजे तमाशाइयों के लिए दोपहर 2 बजे खुल जाएंगे, टिकट और शनाख्ती कार्ड साथ लाने की हिदायत। लाहौर में ट्रैफिक प्लान जारी, मेट्रो बस सर्विस मामूल के मुताबिक चलेगी। शायकीन के लिए लिबर्टी मार्केट, LDA प्लाजा, जामे शेरी पार्क और पंजाब यूनिवर्सिटी में पार्किंग स्टैंड कायम। CNG गाड़ियों को पार्किंग एरिया में दाखिले की इजाजत नहीं, शायकीन को पार्किंग एरिया से शटल बस सर्विस के जरिए स्टेडियम पहुंचाया जाएगा। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ लाहौर से लंदन चले गए, भाभी कुलसुम नवाज की इयादत करेंगे। नवाज शरीफ से मुलाकात में मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी होगा। उजैर बलूच ने जरदारी माफिया को बेनकाब किया, PTI सिर्फ सियासत नहीं बल्कि पाकिस्तान को कंट्रोल करने वाली माफिया के खिलाफ एहतजाज कर रही है, इमरान खान का ट्वीट। खबर एजेंसी में अमन लश्कर के मोर्चों पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम, रजाकारों की जवाबी फायरिंग से 2 दहशतगर्द मारे गए, बाकी साथियों की लाशें छोड़कर भाग गए। कराची के इलाके और अंगी टाउन में रेंजर्स की कार्रवाई, जेरे जमीन छुपाया गया असला बरामद, असला MQM लंदन के कारिंदों ने छुपाया था, तर्जुमान रेंजर्स। खानपुर में दहशतगर्दी का जुर्म साबित, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 4 मुलजिमान को 33-33 बार सजाएं मौत और 1 कम उम्र मुलजिम को उम्र कैद की सजा सुना दी। 15 जनवरी 2012 को इमाम बारगाह के बाहर धमाके में 19 अफराद शहीद हुए थे। लाहौर, मुल्तान, भावलपुर और गुजरावाला समेत पंजाब के 13 शहरों में मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों के लिए एंट्री टेस्ट, 9,968 उम्मीदवार किस्मत आजमाई कर रहे हैं। कामयाब तलबा की फहरिस्त 27 नवंबर को जारी होगी। दाखिला टेस्ट का पेपर लीक होने पर गुज़िश्ता नतायज का लदम करार दे दिए गए थे। खैबर पख्तूनख्वा, फाटा और पंजाब में बाज़ मकामात पर 5.2 शिद्दत का जलजिला, गहराई 38 किलोमीटर और जलजले का मरकज कोहे हिंदुकश था। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी, जिला बांडीपुरा में आज भी 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया, काबिज फौज के जुल्म के खिलाफ इलाके में मुजाहिरा। सोमालिया के दारुल हुकूमत मोगादिशो में होटल में खुदकुश हमला, 23 अफराद हलाक, 40 से ज्यादा जख्मी हो गए। के दारुल हुकूमत नैरोबी में हुकूमत मुखालिफ एहतजाज, मुश्तिल अफराद ने दुकानों और कारोबारी मराकज को आग लगा दी।